नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। जनपद श्रावस्ती में खुलेआम देखने को मिला कि कोटेदार अनिल कुमार निवासी हनुमानगढ़ी भिंगा श्रावस्ती में सरेआम जनता कोटेदार को गाली दे रही है। वहीं जनता का आरोप है कि दुकानदार 2 बजे दुकान खोलते हैं और 4 बजे बंद कर देते हैं, जिससे लोगों को राशन नहीं मिल पाता और राशन कम देते हैं। तथा वहीं पर आरोप लगाया गया कि रात्रि 9 बजे के लगभग ये राशन ब्लैक करते हैं। जिस प्रकार से जनपद श्रावस्ती में DSO करीमुद्दीन की मिलीभगत से कोटेदार गरीबों का राशन हड़प रहे हैं, वहीं कोटेदार ने कहा कि करीब 10 कुंटल राशन मुझे मिला, इससे जनता को पूरा राशन देने में दिक्कत होती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कोरोना काल में लोगों को राशन निःशुल्क दे रहे हैं, वहीं इस तरह की असंवैधानिक चीजें सामने आई, यहाँ पर देखने को मिला कि जनता लाचार परेशान राशन के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा इनको राशन। शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी का कार्य जारी है। जनपद श्रावस्ती में ऐसे कार्य ऐसे कोटेदारों के द्वारा किए जाने से शासन व प्रशासन की छवि धूमिल होती है। जहां मुख्यमंत्री द्वारा जनता के लिए शुल्क राशन आदि व्यवस्थाएं की जा रही है, वहाँ इस तरह के लोग भी पाए जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री का नाम खराब करते हैं। श्रावस्ती कोटेदार मनमानी तरीके से काम करते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आदेशों का ढंग से पालन नहीं किया जाता, कालाबाजारी का कार्य जारी है। अधिकारियों और कोटेदार अनिल कुमार का कोटा निलंबित करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराते हुए कार्यवाही कराने की मांग की गई है। यहां की जनता ने साफ तौर पर इस तरह की मांग उठाई है। क्या कहना है आपका कोटेदार? आपको तब 1 बजे दुकान खोलता है, मेरा फेस टू फेस बात कराओ। 1 बजे दुकान खोलता है, 4 बजे पब्लिक को कह देता है नहीं गल्ला। ये आएंगे खोले 4 बजे बंद, 1 बजे आएंगे 4 बजे बंद। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिल कुमार जो विक्रेता है, इनके ऊपर आरोप आ रहा है कि दुकान पे राशन नहीं दिया जा रहा है लोगों को। जनता की भीड़ उमड़ी हुई है इस कोरोना काल में। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी निःशुल्क राशन वितरण दिया जा रहा है, लेकिन उसको गरीब महिला और जनताओं तक उपस्थित नहीं हो पा रहा है। और इस प्रकार से आरोप लगा रहे थे कोटेदार के द्वारा, यहाँ पर दुकान समय से नहीं खोला जा रहा है और लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। जी भैया, आप लोगों को किस प्रकार से मिलता? आप लोगों को कोई शिकायत है इनको लेकर? 2 बजे कोटा खुलता है हर रोज आना, 2 बजे कोटा खुलता है। ऐसे क्या हमेशा चलता है? हर रोज 2 बजे कोटा खुलता है, परमानेंट मंथली खरीद ब्लैक होता है गल्ला। यहाँ पर रोज ब्लैक किया जाता है, हर शाम में 9 बजे रात को ब्लैक किया जाता है। अच्छा, लोगों को बंद रहता है, 9 बजे कोटा खुलता है, 2 बजे के बाद यहाँ कोटा खुलता है, ब्लैक डायरेक्टली होता है साहब। जी कोटेदार साहब, जिस प्रकार से आपके ऊपर यहाँ पे जनता आरोप लगा रही है कि आप राशन नहीं दे पा रहे हैं लोगों को समय से, और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है ब्लेक करते हैं जब शाम को 9 बजे राशन लोगों के द्वारा, और यहाँ पे जनता महिलाओं की लोगों की भीड़ उमड़ी है, इस प्रकार से आप बता रहे हैं, आपके सामने ही कह रहे हैं कि आप जो है लोगों को खुद माइनस में चल रहे हैं, हम कहाँ से ब्लेक देंगे? जो है ये जो है जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों को भीड़ उमड़ी हुई है, सभी कोटेदारों ने राशन वितरित कर दिया है, लेकिन अभी तक आपका राशन नहीं वितरित हुआ है। हमारे न्यूज चैनल पर जिस प्रकार से सूचना नेटवर्क पर जनपद श्रावस्ती का ये माहौल दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जिस प्रकार से लोग उपस्थित है, भीड़ उमड़ी है और लगातार लोगों को राशन देने के लिए न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही यहाँ पे सरकार की जो है दूरी बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। जब देखो तब पब्लिक का बुरबक बना ले तो है, बता रहे हैं कि नाम बुलाए, लाइन भी नहीं लगवाए हैं, उसके बाद भी घेरे हैं। तो आपने क्यों नहीं लाइन लगवाया? आपने क्यों नहीं समय से लोगों को कैसे बांट दिया जाए? अभी तक कितने कोटेदार है आपके जनपद श्रावस्ती में? हर लोगों ने राशन वितरित कर दिया है और हम लगातार 2 बार आ चुके हैं आपके पास में, और जब भी आते हैं आपके यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोगों को राशन नहीं मिल पाने की सभी लोगों का शिकायत रहती है। तो इस महीने की जो शिकायत हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जो तौलने वाला था उसकी तबीयत खराब है, नया आदमी आया है उसको तौलने में समय लगता है। आपके पास में कोटा कितने दिन से है? हमारे पास में 4 साल। इससे पहले कौन कोटेदार थे?
उसके पहले तो जो है